ब्रिटेन ने किया हमले का वीडियो जारी। साइप्रस से उड़े ब्रिटिश टाइफून विमान, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक्रोटरी एयर बेस से टाइफून की उड़ान, ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने इसको लेकर दावा किया है। चार ब्रिटिश विमानों ने हुथी पर हमले को दिया है अंजाम। तो हुथी को टारगेट करते हुए अब यूएस के साथ साथ यूके भी लगातार, चार ब्रिटिश विमानों का हुथी पर हमला, जिसको लेकर तस्वीरें जारी की गई हैं। और यमन हुथी रेबल्स को टारगेट किया जा रहा है, अलग अलग जगहों पर किस तरीके से हमले को अंजाम दिया गया, ज्यादातर वो जगह टारगेट पर है जहां से हुथी ऑपरेट करते हुए हमलों को अंजाम दे रहा था। तो ब्रिटेन का ऐलान जंग, ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स ने हुथी पर हमले को अंजाम दिया है। चार टाइफून विमानों ने हुथी के ठिकानों पर बॉम्ब बरसाए हैं। साइप्रस के एक्रोटरी एयरबेस से ब्रिटिश विमानों ने उड़ान भरी है। करीब 3,700 किलोमीटर की उड़ान भरते हुए हुथी पर हमला हुआ है। आपको बता दें, पिछले 12 दिनों में ब्रिटेन और अमेरिका का यह 8वां सबसे बड़ा हमला है। सिन्हा सर, इसीलिए ये सवाल किया था, क्या इन हमलों का कोई असर होता नजर आ रहा है? हमले का नजर तो आ ही रहा है। देखिए, आज जब आप स्ट्रेटेजिक बॉम्बर का यूज करते हैं B-52, तो ये एक बहुत डेडली स्ट्राइक करती है उनके अंडरग्राउंड फैसिलिटीज जो उन्होंने छिपा रखे हैं। और देखिए, ये जो हुथी रेबल्स हैं वो उसके नॉर्थर्न केवल वेस्ट में है, पूरे यमन में नहीं है, वो गलत बात है, तो वो पूरे यमन में नहीं है। और ये जो टारगेटेड अटैक है, इस अटैक विदिन 12 डेज टाइम, 11 जनवरी को शुरू हुआ था, 30 टारगेट थे, आज 8 टारगेट हैं, वो स्ट्रेटजिक टारगेट है। यूरो फाइटर्स, जो यूके के यूरो फाइटर्स आप बता रही हैं टाइफून, यू नो, और वो साइप्रस से लगातार उड़ रहे हैं, तो इनका असर तो होगा। और देखिए, यूरोपियन यूनियन ज्वाइन करने वाला है, पूरी यूरोपियन यूनियन के सारे देश यदि वो ज्वाइन करते हैं, तो ये जो इन्होंने जो चलाया है 11 जनवरी के बाद का ऑपरेशन, ये तो कामयाबी की तरफ जा रहा है। देखिए, आपको इसको रोकना ही पड़ेगा। अगर सऊदी कोलिजन के खिलाफ भी, देयर इज अ हिस्ट्री टू इट, अगर सऊदी कोलिजन के खिलाफ भी यहाँ एक्शन की हम बात करें, तो क्या हम ये मान सकते हैं कि आने वाले वक्त में किसी तरीके से यमन को अलग थलग करने की कोशिश अमेरिका की है? टोटल देखिए ना, देखिए जिस तरह से सऊदी अरेबिया को आप करें, वो 9 देशों का उन्होंने कलूजन बना के किया था, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल था। उसमें पाकिस्तान, इसलिए पाकिस्तान के ऊपर जो अटैक आया था, ईरान उसको एक मैसेजिंग करना चाहता है। तो देखिए, आप जो कह रही हैं, ये एक बहुत बड़ा और ये पोटेंट है। जो पहले सऊदी अरेबिया का हाफ हार्टेड अटैक्स होता था, उनका जो 9 देशों का कलूजन था, उसमें कोई ऐसा नहीं कि वेस्टर्न कंट्रीज इन्वॉल्व थे, वो सारे के सारे पर्शियन गल्फ के स्टेट्स थे, जिसमें एक बहरीन ने ज्वाइन किया है। तो आप अभी बता रही ना, 6 देशों के बीच में एक बहरीन, अगर आप देखिए, और दूसरे देशों ने यूएई नहीं ज्वाइन किया, सऊदी अरेबिया ने ज्वाइन किया, वेस्ट एशिया और नॉर्थ अफ्रीका का ये जो सपोर्ट था सर, इसी के तहत मैं ये समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर अब जिस तरीके से हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, क्योंकि हुथी के खिलाफ ब्रिटेन के सबसे बड़े एक्शन को लेकर खबर ये है कि रॉयल एयरफोर्स की हुथी पर स्ट्राइक हुई है और चार टाइफून विमानों ने हुथी पर बॉम्ब बरसाए हैं। बमबारी के बाद यूके रक्षा सचिव की चेतावनी, जहां रेड सी में हुथी को हमलों का सबक मिला। हुथी के खिलाफ ब्रिटेन के ये सबसे बड़े एक्शन जारी है। और रेड सी के हालात को देखते हुए, जिस तरीके से इस थ्रेट और एस्केलेट होती सिचुएशन पर काबू पाने के लिए अब हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, एक्सपर्ट्स के साथ यही जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिर यमन पर हमलों के तहत किस तरीके से एक्शन और बढ़ चुका है। अब हुथी के हमले के पीछे ईरान का हाथ, एक और सबसे बड़ी खबर, जहां रेड सी में हमले में ईरान सीधा शामिल। अमेरिका की नेवी कमांडर ब्रैड कूपर का ये आरोप, हुथी को फंड और ट्रेनिंग दे रहा है ईरान, हुथी को हथियार संसाधन दे रहा है ईरान। ईरान के इशारे पर हुथी के हमले को लेकर इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि IRGC कमांडर्स के यमन में मौजूद होने का दावा किया जा रहा है। ईरानी कमांडर्स पर हुथी को ट्रेनिंग देने के भी आरोप लग रहे हैं और हुथी की फंडिंग IRGC के जरिए किए जाने के भी आरोप है। आपको बता दें, ईरानी एडवांस ड्रोन
एंटी शिप क्रूज मिसाइल हुथी को मिले हैं और ईरान पर हुथी को बैलिस्टिक मिसाइल देने के भी आरोप है। हालांकि रेड सी में मौजूद जहाजों की जानकारी हुथी को देने का आरोप है और यूएस न्यूज की तरफ से ये बड़े दावे किए जा रहे हैं। वहीं एक और खबर यह है कि अमेरिका और ब्रिटेन को ईरान की यह बड़ी धमकी, यमन पर हमले का हिसाब चुकाना पड़ेगा। ईरान के विदेश मंत्री की चेतावनी, यमन पर हमला यूएस ब्रिटेन की भारी भूल है। हमला कर यूएस और यूके ने युद्ध का दायरा बढ़ा दिया है। ईरान यमन का बदला लेगा। हालांकि अमेरिका और ब्रिटेन के यमन पर हमले को लेकर ईरान की नाराजगी को लेकर खबर आई। ईरान के विदेश मंत्री ने अमेरिका और ब्रिटेन को सीधी चेतावनी दे दी, यमन पर हमला यूएस यूके की भारी भूल है, कीमत चुकानी पड़ेगी। यमन पर हमला कर यूएस यूके ने युद्ध का दायरा बढ़ा दिया है। अमेरिका और ब्रिटेन क्षेत्र में शांति और सुरक्षा के लिए खतरा है। बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, जहां हुती के खिलाफ बहुत बड़ा चक्रव्यूह तैयार किया गया है। रेड सी में हुती के खिलाफ यूरोपीय यूनियन भी उतरेगा। हुती पर कार्रवाई के लिए तैयार यूरोपीय संघ के देश, रेड सी में सैन्य कार्रवाई पर सहमत है यूरोपीय संघ। रेड सी में सैन्य अभियान शुरू करेगा यूरोपियन यूनियन। सिंह सर, यही एक सबसे बड़ा सवाल था, क्योंकि आपने तो शुरुआत में ये कह दिया था कि एक डायरेक्ट वॉर चल रही है ईरान की, लेकिन अब रेड सी में हालात को देखते हुए सैन्य कार्रवाई पर यूरोपीय संघ की भी सहमति नजर आ रही है। अरे ये तो बिल्कुल रहेगी उनकी, और वो जितने देश हैं इसके अंदर, मैं तो सऊदी अरेबिया, बहरीन जैसे देशों को भी इंक्लूड करूंगा, क्योंकि ये जो हुतीज हैं ये एक बहुत ही, जिसे कहते हैं एंटी ह्यूमैनिटेरियन काम कर रहे हैं, कि लोगों का जो व्यापार है, मरीन कमर्शियल जो सी व्यापार है, समुद्री व्यापार है, उसके ऊपर बहुत भारी असर कर रहे हैं। क्योंकि अगर ये अमेरिका और जितने भी आपने देशों के नाम लिए वो एक्शन नहीं लेते तो ये तो बहुत खराब करेंगे हुती दुनिया को। और ये जो ईरान है, इसका एक ही काम है कि दूसरे देशों को उकसाना। ये हमास को सिखाता है, हिजबुल्ला को सिखाता है, और आप ऐसी जगह पे है, गिद्दड़ धमकियां देता है, कहता मैं अमेरिका के ऊपर हमला करूंगा। अरे क्या हमला कर सकता है ये, क्या कर सकता है ब्रिटेन, क्या कर सकता है इसराइल को? अगर इसराइल जो सबसे नजदीक देश है इसके, उसके अंदर भी आप नक्शा देखें तो इसके साथ इराक आता है, इराक के आगे जॉर्डन आता है, फिर इसराइल आता है। अगर ये मिसाइल को छोड़ता है इसराइल के ऊपर तो वो रास्ते में गिरा देंगे, क्योंकि पहले तो बात दो देशों को ऊपर की एयर स्पेस से उसने निकलना है। और ये जो इनका फॉरेन मिनिस्टर है, उसने पहले भी हमास को उकसाया कि आप लड़ते रहो, इजिप्ट ने बोला मत लड़ो।